नमस्कार, जेतार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जेतारण का नंबर वन जेतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां इन दिनों तेज हो गई है और जेतारण की राजनीति में भी इन दिनों चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे परवान पर चढ़ गई है और इस चुनावी महासमर में इस बार जेतारण की सियासत में नया मोड़ आया है। नया मोड़ जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे साथ खड़े हैं, ठीक आज से 6 महीना पहले एक वही चेहरा मेरे साथ मौजूद था जो आज बेतौर भाजपा का प्रत्याशी के रूप में मेरे साथ मौजूद है। हालांकि मैंने भी ये कभी कल्पना नहीं की होगी और इन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि भाजपा कभी इनको प्रत्याशी बनाएगी। और आप अविनाश गहलोत हैं और मैं ये बताना चाहूंगा, अविनाश गहलोत वो चेहरा है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक भाजपा के कदावर नेता रहे श्री सुरेंद्र जी गोयल के स्थान पर इनको नए चेहरे के रूप में एक प्रयोग के तौर पर मैदान में उतारा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री सुरेंद्र जी गोयल का राजनीतिक सफर लगभग 40 साल था और शायद ही किसी कार्यकर्ता और राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गजों ने ये कल्पना शायद ही की होगी उनका टिकट भी कट सकता है और उनके स्थान पर ये नया चेहरा जो अविनाश गहलोत कहूंगा, अविनाश गहलोत के रूप में आज जेतारण न्यूज से रूबरू हो रहा। मैं अविनाश जी गहलोत का इसे जेतारण नहीं बल्कि मेरी पैतृक भूमि आ गया गाँव की सर जमी पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। अविनाश जी गहलोत, अविनाश जी गहलोत, आपको जीवन में कभी ये उम्मीद थी क्या कि भाजपा आपको टिकट देगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक संगठन है हमारा और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यहाँ आपको पता होगा ना, ये कोई दबाव में टिकट दिए जाते हैं ना किसी और किसी कारण से दिए जाते हैं। यहाँ अगर टिकट मिलता है तो जनता के सर्वे के आधार पर दिया जाता है, जनता की भावनाओं के अनुसार दिया जाता है। और इस बार जैसा कि सबको पता है कि ये सब हमारे जो पंचायत के हमारे कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, इनकी विशेष भावनाओं के अनुसार एक लंबे राजनीतिक करियर वाले व्यक्ति को जब थोड़ा सा उनके जीवन में उतार आया तो पार्टी ने ये सोचा कि कैसे भी करके पार्टी में थोड़ा परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन के दम पर मुझे जो पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला दें कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार कार्यकर्ताओं के दम पर इस महासमर को भी जीतेंगे और जेतारण में वापस पुनः कमल खिलाएंगे। अविनाश जी, अविनाश जी आपके सामने इस चुनावी महासमर में दो योद्धा, दो बड़े दिग्गज जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश ये जानना चाह रहा है, पूरा दक्षिणी भारत यानी मेरे लाखों पाठक पिछले कई दिनों से मेरे को ये कह रहे हैं कि भाई अविनाश जी गहलोत को आप सामने लाओ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने दो बड़े चेहरे हैं, श्री दिलीप जी चौधरी कांग्रेस से हैं और श्री सुरेंद्र जी गोयल जो आपके भाजपा के बागी के रूप में आपके समीकरण बिगाड़ रहे हैं। आप उनसे मुकाबला कर पाओगे? क्योंकि आप नए चेहरे हो, आपको चुनाव का अनुभव नहीं है। ऐसा है कि पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो हमेशा ये पता रहता है पार्टी के सामने कौन आएगा। चुनाव के अंदर कोई नहीं आता, आप तो दो के नाम बता रहे, मैं ये कह रहा हूँ मेरे सामने 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। जनता की भावनाओं के अनुसार मैं आज पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, हजारों वोटों से भारतीय जनता पार्टी जेतारण से जीतेगी और जिन दो उम्मीदवारों को आपने कहा है उनका कार्यकाल जनता पहले देख चुकी है। अगर उनकी परफॉर्मेंस सही होती, उन्होंने कार्य सही किए होते तो 2008-13 में कांग्रेस जीतती और हारती भी नहीं। और इस बार जो परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन इसी दम पे हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में थोड़ा सा उतार आया था, उस उतार को वापस भरपाई के लिए जन भावनाओं के अनुसार मुझे टिकट दिया और आपको विश्वास दिला तो कार्यकर्ताओं के दम पर पुनः जीतेंगे, हजारों वोटों से जीतेंगे। अविनाश जी सुरेंद्र जी गोयल ने बागी तेवर अपना लिए और इसे जेतारण नहीं पूरे प्रदेश भर की नजर इसे जेतारण जो हॉट सीट बन गई है, क्या आप गोयल साहब को मनाने के लिए गए? चूंकि आप उनके शिष्य रहे, मैं जानता हूँ आप उनके शिष्य रहे, आप उनके पास गए उनको मनाने के लिए, सर आप बैठ जाइए।
बिल्कुल, मुझे राजनीति में लाने का पूरा श्रेय आदरणीय गोयल साहब को है। वो मेरे राजनीति गुरु रहे हैं और आज भी मेरे राजनीति गुरु है। मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहूंगा कि मैं तो आपका लगाया हुआ पौधा हूं और ये पार्टी भी आपके द्वारा सिंची हुई, कार्यकर्ताओं के खून पसीने सिंची हुई है। और आप जबकि समय आया है तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप आइए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मैं उनके घर गया, उनके पांव पकड़े, मैंने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ आइए, आपका मान सम्मान हमेशा रहेगा और मेरी आगे वाली सीट आपके लिए सुरक्षित है। और मैं आज भी अपील करता हूं कि पार्टी के हित में, अपने व्यक्तिगत हित में आप हमारे साथ में आइए, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। और रही बात जीतने की, बागी तेवर कभी नहीं हो सकते, ये भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार है, उन्होंने आवेश में जो फैसला लिया है ये उनके लिए आत्मघाती होगा और पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ चंद वोटों से पार्टी कभी ना जीतती है ना हारती है और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। अविनाश जी एक अंतिम सवाल हो रहा है, अविनाश जी मुझे मालूम है आपका व्यस्तम कार्यक्रम है, मैं जानना चाहूंगा अविनाश जी आप इस जेतान क्षेत्र में आपका प्रमुख एजेंडा वो प्रत्येक कार्यकर्ता यानी प्रत्यक्षों का है, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त जेतान और एक स्थानीय युवाओं को जो इकाया है उसमें रोजगार देने के अलावा आपके पास कोई विकल्प है क्या इनके मुद्दों के अलावा? मैं ऐसा है कि जो जितने भी युवा साथी हैं आपके रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की व्यवस्था करेंगे, मेरे जो जितने भी साथी खेल प्रेमी हैं उनके लिए कोशिश करेंगे जेतान में कृत्रिम घास का एक स्टेडियम बनाए, एस्ट्रो टर्फ का एक ग्राउंड बनाया जाए और जितने भी माताएं बहन उनके सुरक्षा के लिए और उनके जन कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं होगी, और मैं विधानसभा में पुरजोर अगर आपका आशीर्वाद तो फिर भी करेंगे। और आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और जनता के साथ में कभी धोखा नहीं करेंगे। जनता हमारी माई बाप है और माई बाप का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। और जो आज आपने देखा इस कार्यक्रम में, आपने जनता का जो लाड प्यार देखा, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जनता में कितना उबाल है और कितना ज्वार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण की भावना हजारों कार्यकर्ताओं में, और इसी समर्पण के दम पर हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल अविनाश जी, जेतान न्यूज का भी कोई योगदान रहा आपके टिकट में? मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको देना चाहूंगा कि जेतान की जितनी भी समस्याएं हैं उनको जनता के सामने लाने का सार्थक प्रयास अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा आपने आईबी खान साहब ने किया है। मैं खान मीडिया का मेरी तरफ से, जेतान क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया है, और कहीं ना कहीं अगर मुझे जनता की भावनाओं के अनुसार टिकट मिला है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे पूरे जितने जेतान की जनता है उनके भी लाड प्यार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। ये थे अविनाश गहलोत, मैं आईबी खान, कैमरामैन एस गहलोत के साथ आगे वासे।